हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश वीडियो। एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना अगर ये वीडियो पसंद आए तो भाई ये वीडियो तो पसंद आने ही वाला है। थोड़ा सा तो मतलब बनता है कि भाई लाइक सब्सक्राइब कम से कम ये तो करके जाओ भाई। तो ये वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ मीवी प्ले ब्लूटूथ स्पीकर, जो सिर्फ 799 में अभी भी प्राइस चल रही है इसकी। इसकी प्राइस जो है वो अप डाउन हो सकती है, तो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, वहाँ से आप चेकअप कर ले। तो ये वीडियो में ऑनेस्ट इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। उसके पहले सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपना ऑनेस्ट ये व्यू रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो भाई साहब, आप सब लोगों ने अनबॉक्सिंग तो देख ली होगी। साउंड क्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें 5 वॉट का ब्लूटूथ स्पीकर मिल रहा है। भाई 5 वॉट सुनने में तो ऐसा लगता है कि भाई इतना छोटा स्पीकर में क्या बचता होगा, बट मैंने साउंड क्वालिटी टेस्ट इसके पहले वीडियो में मैंने कर दी है, तो आप उसमें से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई बहुत ही मतलब ऑसम साउंड क्वालिटी इसमें बचती है। भाई बेस की तो आप बात ही मत करिए, बेस तो भाई खतरनाक बजती है इसमें। सोचा नहीं था कि भाई इतनी इंप्रूवमेंट आएगी ये ब्लूटूथ स्पीकर में। और ये ब्लूटूथ स्पीकर है, ब्लूटूथ 5.0 है इसमें। और इसमें बैटरी लाइफ मेरे ख्याल से इसमें लिखी हुई है भाई 12 आवर्स इसमें बैटरी लाइफ लिखी हुई है। और मैंने इसको टेस्ट किया था तो मिड वॉल्यूम पे अगर आप चलाएंगे तो भाई 10 आवर्स से ज्यादा एवरेज बैटरी लाइफ आपको मिल ही जाएगी, बट लो वॉल्यूम पे चलाएंगे जैसे 11 आवर्स के आसपास आसानी से बैटरी लाइफ हो जाएगी इसकी। तो इसके अंदर जो बैटरी दी गई है वो है 1000 mAh की बैटरी इसमें दी गई है। और ओवरऑल मैं बात करूँ तो बैटरी काफ़ी बढ़िया इसमें दी गई है। थोड़ी सी बड़ी वाली बैटरी दी होती है तो बैटरी लाइफ इंप्रूवमेंट हो सकती थी, बट कॉम्पैक्ट साइज में ये लोगों ने बनाया है तो थोड़ी सी बैटरी इसमें डाउन थोड़ी सी लो कर दी, बट कोई बात नहीं, 12 आवर्स की बैटरी लाइफ है। ओवरऑल 11 आवर्स की 10 आवर्स की आपको बैटरी आपको मिल जाएगी, तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे LED मिलती है, एक LED ब्लू LED मिलती है, और यहाँ पे आपको एक माइक मिल जाता है, और यहाँ पे ओक्स है, ओक्स का जो ये पोर्ट है यहाँ पे 3.5 mm का इनपुट जैक आपको मिल जाता है, और USB माइक्रो USB का जो ये पोर्ट है यहाँ से आप चार्जिंग कर सकते हैं। चार्जिंग ओवरऑल मैंने टाइम देखा था कि ओवरऑल बात करें तो 2 कलाक के अंदर आपका चार्जिंग आसानी से हो जाएगा, कोई उसमें बड़ी परेशानी मुझे नहीं हुई थी। साउंड टेस्ट आपने प्लीज वो जरूर चेक करना, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। साउंड टेस्ट एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, वो उसमें से आपको बहुत ज़्यादा आपको पता चलेगा। और ओवरऑल बात करें तो ये इसमें माइनस की प्लस की इसमें की दी गई है, और यहाँ पे है जो एक पावर का बटन है, और यहाँ पे है वो प्ले पुश का बटन है। ओवरऑल बीट क्वालिटी तो भाई दमदार है, कॉम्पैक्ट है, एक हाथ में मेरा तो स्मॉल हैंड से तो भी आसानी से ये फिट हो जाएगा, और कहीं पर भी आप ये रख सकते हैं। नीचे रबर कोटिंग दी गई है तो ये स्लिप नहीं होगा, कोई भी ऐसे सरफेस में रखा होगा तो भी ये स्लिप नहीं होगा। ये विश्वास करना मुश्किल है, बट 799 में इतना सब कुछ मिलना थोड़ा सा रेयर केस में ही होता है, तो ये मेरे ख्याल से तो ये ब्लूटूथ स्पीकर आपको लेना चाहिए। ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ ये पैसा वसूल प्रोडक्ट है। ओवरऑल भाई बात करें, एक फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। फाइनल वर्डिक्ट तो ये बनता है कि भाई 799 रुपीज और थोड़ा सा ऊपर जाए तो भी ये ब्लूटूथ स्पीकर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो भाई मैं तो कहता हूँ कि भाई ये ही ब्लूटूथ स्पीकर लेना चाहिए। थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा डल दी होती तो बैटरी लाइफ इंप्रूव हो सकती थी, बट कॉम्पैक्ट साइज बनाने
के लिए थोड़ी सी बैटरी इसमें घटानी पड़ी है। 10 में से इसको 9 स्टार दूंगा। ढेर सारे कलर इसमें आपको मिल जाएंगे भाई, 6 मेरे ख्याल से 6 कलर इसमें है, कोई भी आप सिलेक्ट कर लो। और मैंने इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से आप जरूर से एक बार चेक कर लेना। कोई भी इसके बारे में सवाल हो तो कमेंट डाउन करना। अगर इंस्टाग्राम पे आप पूछना चाहते हो इसके बारे में तो वहाँ पे भाई डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में मैं दमदार प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।